अल्फ्रेड वेजनर ने 1912 में थ्योरी प्रपोज की कि पृथ्वी के सब कॉन्टिनेंट्स करोड़ों वर्ष से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम समय में पीछे जाएं तो ये पाएंगे कि ये सब एक बड़े लैंड मास में जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहते थे। इनका विचार इस बात पर आधारित था कि सब कॉन्टिनेंट्स जिग्सॉ पजल के पीसेस की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और ये भी पाया जाता है कि ऐसे रॉक्स के बैंड हैं जिनमें फॉसिल्स होते हैं, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स कुछ इस प्रकार जुड़ते हैं। दुर्भाग्यवश वेजनर ये नहीं बता पाए कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कैसे करते हैं और वैज्ञानिक समुदाय ने उनका काफी मजाक उड़ाया। लेकिन 1965 में प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पब्लिश हुई। इसके अनुसार कॉन्टिनेंट्स बड़ी बड़ी प्लेट्स पर मूव करते हैं। ये मूवमेंट पृथ्वी के गर्म मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स के कारण होती हैं। सबसे नाटकीय एविडेंस मिड ओशन रिजेस के दोनों तरफ पाए जाने वाले रॉक्स के चुंबकत्व से मिली। जब रॉक्स सॉलिडिफाई होते हैं तब वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कुछ लाखों साल के अंतराल के बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पलट जाती है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ पोल बन जाता है। इस परिवर्तन के सिग्नल भी मैग्नेटाइजेशन में देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि मिड ओशन रिज के हर तरफ रॉक्स पहले एक दिशा में मैग्नेटाइज हुए, फिर उसकी विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज हुए। मैग्मा सॉलिडिफाई होता है और उससे मैग्नेटिज्म रॉक्स में लॉक हो जाता है। फिर जब प्लेट्स और दूर खिसकती हैं, नया मैग्मा बनता है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा विपरीत हो जाती है और इस बार रॉक्स में रिवर्स पोलैरिटी लॉक हो जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और रिज के दोनों तरफ एक पैटर्न बनता है जो रिपीट होता रहता है। जैसे जैसे आप रिज से दूर होते जाते हैं, रॉक्स पुराने होते जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि लाखों वर्ष में ओशियंस एक दूसरे से दूर हुई हैं। इसके अलावा हमें एविडेंस पृथ्वी के ज्वालामुखियों और भूकंपों की लोकेशन को प्लॉट करके मिलती है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन ग्लोब पर ग्रेट टेक्टोनिक प्लेट्स की एजेस को मार्क करती हैं। लगभग सारे भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट बाउंड्रीज पर ही होते हैं। अंत में हम ये पाते हैं, जहां प्लेट्स एक दूसरे को धकेल रही होती हैं, वहां माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। इंडियन प्लेट्स के मोशन के कारण ही हिमालय ऊपर की तरफ उठे हैं। इंडियन प्लेट अभी भी धीरे धीरे एशिया की तरफ मूव कर रही है और पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे है, कारणवश जापान के आइलैंड बने जहां बहुत अधिक भूकंप आते हैं और बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इसी कारण ईस्ट में गहरे ओशन ट्रेंच बने और अब भी बन रहे हैं।